नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। देश में आज आजादी का दिन मनाया जा रहा है। ये पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और 73वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम के साथ ही मनाया जा रहा है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। और इस दौरान पीएम मोदी करीब 92 मिनट तक बिना रुके नॉनस्टॉप बोलते रहे। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने देश को कई महत्वपूर्ण बातें बताई। हालांकि सिर्फ पीएम ही नहीं, देश भर के कई नेताओं ने भी ध्वजारोहण किया, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने रक्षाबंधन की भी लोगों को बधाइयां दी। शाह ने मोदी सरकार के काम की भी जमकर तारीफ की और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और इसके साथ साथ 35 से हटने को बेहद महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने आवास पर ही ध्वजारोहण किया, जबकि आरएसएस चीफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात करें और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो उन्होंने भी आज झंडा फहराया। तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले की प्राचीर से बोले और देश के चर्चित मसलों पर अपनी बात को उन्होंने रखा और इसके साथ साथ भविष्य में अब उनका विजन क्या है, किन किन कौन कौन से ऐसे मसले हैं जो देश को चिंता में डाल सकते हैं, उस पर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। और इसके साथ साथ दूसरे बड़े नेता भी आज ध्वजारोहण करते दिखे। अपने भाषण के दौरान पीएम ने सेना को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि तीनों सेनाओं में तालमेल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया जाएगा और पूरी सैन्य शक्ति को एक साथ मिलकर चलना होगा। अनुच्छेद 370 हटाकर कितना बड़ा काम किया, इसके बारे में भी उन्होंने देश को अवगत करवाया। मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इसके हटने पर कहा कि अब देश का हर एक हिस्से को मिलने वाला लाभ, जिस तरह से देश के दूसरे हिस्सों को लाभ मिलता है, उसी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को भी यह लाभ मिलेगा। मोदी करीब 92 मिनट तक लगातार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते रहे और जब वो अपना भाषण खत्म कर नीचे उतरे तो वहां पर हर बार की तरह ये देखिए तस्वीरें देखिए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे और उन्होंने इन बच्चों के बीच में जाकर उनका और उत्साह बढ़ा। जो उत्साह उनका था वो फिर सातवें आसमान पर पहुंचाते हुए फिर सीधा आगे बढ़े और सीधे बच्चों के बीच में जा पहुंचे और बच्चों से उन्होंने सीधे मुलाकात की, हाथ मिलाया बच्चों से। बच्चे भी बड़े उत्साहित नजर आए देश के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हुए, उनसे रूबरू होते हुए, जैसे मुट्ठी में जुगनुओं को सुरक्षा का हो। और अब बात करते हैं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तिरंगा फहराया और राज्यवासियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में हुए विकास की खूबियां बताई। कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की धनराशि काला तो फिर भी लगता भुगतान करने में उत्तर प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हो गई। तुम बेस नहीं लगा। आज का यहाँ का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की धनराशि भुगतान करने में उत्तर प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हो गई। अच्छी दिशा में बढ़ रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 2 वर्षों के अंदर विकास का जो एक नया प्रतिमान स्थापित किया है, वह भारत सरकार की उन योजनाओं के माध्यम से भी देखने को मिल सकता है। जहां पर आज से 2 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश को किसी भी योजना में कोई स्थान नहीं प्राप्त होता था, विगत 2 वर्ष से अधिक समय के दौरान आज भारत सरकार की हरेक योजना में उत्तर प्रदेश अपना एक स्थान बना रहा है। यूपी के प्रयागराज में हुए कुंभ के आयोजन को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की खूबियां गिनाने नहीं भूले। उन्होंने कहा कि बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने कुंभ का सफल आयोजन किया। प्रयागराज कुंभ के दौरान ही पहली बार उत्तर प्रदेश में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन को सफलतापूर्वक काशी की धरती पर आयोजित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हमने देखा कि 76 देशों के 7,000 से अधिक अप्रवासी भारतीयों और भारतवंशियों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की।
चुनाव के वक्त यूपी में किसी तरह की कोई घटना नहीं घटी थी, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से पूरे राज्य में चुनाव संपन्न करवाया। लोकतंत्र का महापर्व देश के सबसे बड़े राज्य में 163,000 से अधिक बूथों पर कुशलतापूर्वक चुनाव का संपन्न होना सबसे बड़ी उपलब्धि कि 163,000 बूथों पर चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कहीं पर भी भारत निर्वाचन आयोग को रिपोल की कोई भी नौबत उनके सामने नहीं आई। इसमें उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को एक बार पुनः देश और दुनिया के सामने एक अच्छे संदेश के रूप में स्थापित किया। वहीं गन्ना किसानों को भी राहत देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने उन्हें पूरा मुआवजा दे दिया है। पिछले एक साल के अंदर यूपी के सभी गन्ना किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है कि 2 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भुगतान करने में उत्तर प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई। ये धनराशि 5 वर्ष 7 वर्ष से बकाया थी, लेकिन एक पारदर्शी प्रणाली उत्तर प्रदेश के अंदर अपनाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। और गन्ना किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए खांडसारी उद्योग को लाइसेंस फ्री करने का हो या फिर जितनी हमें चीनी की आवश्यकता है, शुगर की आवश्यकता है, उतनी हम उत्पादन करें और शेष शुगर केन से ही हम सीधे इथेनॉल बनाने की व्यवस्था कर सकें। आज इस प्रकार का हम लोगों ने प्रस्ताव भारत सरकार ने हमें इसके लिए जहां सहमति दी, वहीं साथ ही साथ हमने बहुत सारी चीनी मिलों को शुगर केन से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण के मौके पर कांग्रेस कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तमाम कार्यकर्ताओं को राज बब्बर ने संबोधित किया। जालौन में भी 73वें स्वतंत्रता दिवस पर स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली और जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर मन्नान अख्तर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार बच्चों की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और उरई टाउन हॉल से डीवीसी कॉलेज तक ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए, हाथों में तिरंगा लिए और जिला पर भारत माता की जय के नारे लगाए। पूरा देश जश्न आजादी बड़ी धूमधाम से मना रहा है और इस बार मदरसे में भी बड़ी धूमधाम के साथ झंडा फहराया गया। वहीं देश भर के सभी मदरसों में झंडारोहण के बाद आजादी के दीवानों की वीर गाथाएं सुनाई गई, मिठाइयां बांटी गई। प्रयागराज के दारुल उलूम गरीब नवाज मदरसे में झंडारोहण किया गया, राष्ट्रगान गाया गया और स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मदरसे के उलेमाओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और मिठाइयां बांटकर जश्न आजादी मनाई। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तिरंगा फहराकर देश पर जान देने वाले शहीदों को याद किया। आजादी की 73वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तिरंगा फहराया
और राज्यों के लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुबह 10:30 बजे परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में तिरंगा फहराया। इस दौरान कड़े सुरक्षा के प्रबंध दिखे। मुख्य आयोजन के दौरान परेड ग्राउंड के चारों तरफ से वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहा। परम संयोग है कि आज रक्षाबंधन भी है और स्वतंत्रता दिवस भी आज पूरा देश मना रहा है, और इसलिए पहले तो मैं सबको बहुत बधाई दूंगा और प्रदेश की और देश की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। उन तमाम शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, उनको भी आज हम श्रद्धानु उनके आगे भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन तमाम आंदोलनकारी उनके जो आज वंशज हैं उनको भी हम इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो हल्द्वानी में 73वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कांग्रेस कार्यालय पर स्वराज आश्रम में झंडारोहण किया और इस दौरान कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश की अखंडता और एकता को मजबूत बनाए रखने के संकल्प के साथ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिर रही है, जिसे ऊपर लाना हम सबका और सरकार का दायित्व है, जिसके लिए कार्य करने की जरूरत है। और अब आपको दिखाते हैं दिव्यांगों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर खास प्रसारण। नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं क्या है इस घंटे की हेडलाइंस। देश मना रहा है 73वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर से प्रधानमंत्री ने फहराया झंडा। कहा, अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को कम करने का फैसला जम्मू कश्मीर और राष्ट्रहित में। राजनीति से हटकर सरकार ने उठाया साहसिक कदम। सभी भारतीयों को एक देश एक अब वक्त है एक देश एक चुनाव पर चर्चा कर आगे बढ़ने का। जल्द ही तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और प्रभावी नेतृत्व के लिए बनेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लंबे समय से महसूस की जा रही थी जरूरत। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से की घोषणा। ₹3.5 लाख करोड़ आवंटन के साथ ही जल जीवन मिशन की प्रधानमंत्री ने की घोषणा। स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी लोगों के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, घर घर में पानी उपलब्ध कराना है सरकार की प्राथमिकता। $5 ट्रिलियन सपना पूरे करने का मादा देश में है मौजूद। कहा, पिछले 5 सालों में भारत ने $2 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन तक का सफर किया है सफलतापूर्वक तय। प्रधानमंत्री ने कहा, देश से सामने जनसंख्या विस्फोट है एक बड़ी समस्या। वक्त है बढ़ती हुई जनसंख्या पर व्यापक चर्चा और जागरूकता की। छोटे परिवार वालों को बताया देशभक्त। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस पर किया शहीदों को नमन। युद्ध स्मारक पर जाकर दी श्रद्धांजलि। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर राष्ट्रपति ने भी जताई खुशी। कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी अब मिल सकेगा समान अधिकार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, आरक्षण, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने के सभी अवसर जम्मू कश्मीर में होंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मना 73वां स्वतंत्रता दिवस। विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद पहला स्वाधीनता दिवस। शेर ए कश्मीर स्टेडियम में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फहराया तिरंगा। तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों में धूमधाम के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। आज देश आजादी की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। लाल किले से लेकर देश का हर शहर जश्न आजादी के रंग में रंगा है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर लाल किले पर तिरंगे झंडे को फहराया। स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर आम लोग, देश के तमाम नेतागण,
वरिष्ठ अधिकारी और विशिष्ट मेहमान मौजूद थे। इस मौके पर खासकर पीएम मोदी के लिए बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रधानमंत्री ने लाल किले से संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को पूरा करना हमारा दायित्व है। नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम समस्या को टालते भी नहीं हैं और समस्या को पालते भी नहीं हैं। जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो हमारी सरकार ने 70 दिन में कर दिया। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इस पर फैसला लिया। उन्होंने कहा कि 10 हफ्ते के भीतर ही अनुच्छेद 370 35A के प्रावधानों को कम करना सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने में एक कदम है। तीनों सेनाओं का एक सेनापति होगा जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाएगा। इसे बनाने का मकसद तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल को बनाना है। सेना के इतिहास में यह पद पहली बार बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। वॉर मेमोरियल वीर शहीदों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट के नजदीक तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। वॉर मेमोरियल करीब 22,600 जवानों के प्रति सम्मान का सूचक है जिन्होंने आजादी के बाद से अनेक लड़ाइयों में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 40 एकड़ में फैला यह स्मारक 176 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। 6 भुजाओं वाले आकार में बने मेमोरियल में केंद्र में 15 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है जिसके नीचे अखंड ज्योति जलती है। 73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र को संबोधित किया। हाल ही में खत्म हुए संसद के बजट सत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले 5 सालों के दौरान संसद इसी तरह से उपलब्धियां हासिल करती रहेगी। उन्होंने राज्यों की विधानसभाओं से भी संसद की इस प्रभावी कार्य संस्कृति को अपनाने की अपील की। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को कम करने के ऐतिहासिक फैसले को राज्य के हित में बताया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में तिरंगा झंडा फहराया। उन्होंने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। तिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लेह में ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। हिल काउंसिल के अध्यक्ष ने इस मौके पर सलामी ली। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। मेरी और मनीषा की तरफ से दीजिए इजाजत। नमस्कार।